शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झरियाँ दूर हो जाती हैं। अगर दिमागी टेंशन रहती हो तो पानी ज़्यादा पिए, एक सांस में पानी मात पिए, इससे सीने का दर्द पैदा होता है। जिगर की खराबी में माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करो। अनार के छिलकों की चाय पीने से ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाता है। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करो, घर में मच्छर नहीं आएगा। अगर जिगर की खराबी में मसला हो तो माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रोटी चबा कर खाने से गैस नहीं होती, नाखूनों पर पॉलिश लगाने से घर में नहुसत आती है। अनार के छिलकों की चाय पीने से जुकाम फौरी ख़त्म हो जाता है। नहार मुँह पुदीने की डंडियाँ चुबा लेने से जवानी देर तक कायम रहती है। बेचैनी हो या नींद ना आती हो तो सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करें और रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि इंसान गुनाह करते करते इतने ज़्यादा गुनाह कर लेता है कि उन गुनाहों का बोझ हमारे जिस्म पर भारी हो जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी बेसुकूनी हो जाती है और हर वक़्त इंसान डिप्रेशन का शिकार रहता है। तो इसलिए रोज़ाना अपनी रूह को तौबा और इस्तग़फ़ार का गुस्ल देते रहा करें। शुक्रिया तमाम देखने वाले नाज़रीन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।